कितना बढ़िया बना है हमारा ये टमाटर का भरवा, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में। टमाटर का भरवा रेसिपी के लिए सबसे पहले एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम तेल डालेंगे थोड़ी सी, लगभग एक मीडियम चम्मच के आसपास, और एक छोटी चम्मच खड़ा जीरा डालेंगे। उसके बाद इसमें हरी मिर्च और प्याज डालेंगे। प्याज हमने एक मीडियम साइज का लिया था और दो से तीन हमने हरी मिर्च लिया है, वो तीखा आप अपने हिसाब से रखेंगे। तो इन सारे को हम अच्छे से थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा प्याज सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे, जो कि हमने लगभग 400 ग्राम के आसपास आलू उबाला था, और उसे उबाल के इसका जो भरता होता है वो हम बनाएंगे पहले, ताकि हम टमाटर में जो फिलिंग बढ़ाएगा वो अच्छे से बने। तो इसी प्रकार से आप इस भरते को बनाएंगे। तो इसमें अब हम हल्दी डालेंगे आधी चम्मच, धनिया आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच, और थोड़ी सी गरम मसाला। तो इन सबको डालने के बाद फाइनली ये देखिए मसाला हमारा और ये जो आलू है ये अच्छे से भुन गया है। तो हमारा ये स्टफिंग तैयार है। थोड़ी सी हम नमक यहाँ पे ऐड कर लेंगे, आप नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हरा धनिया डालेंगे और उसके बाद अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारा फाइनली ये स्टफिंग तैयार है, जो कि हम टमाटर में भरेंगे। तो अब हम फ्राई पैन को हटा लेंगे। तो इसके लिए हमने 6 टमाटर लिया है इस भरवा रेसिपी के लिए, ये लगभग वेट में 1/2 kg के आसपास है। तो उसके ऊपर डंठल वाले हिस्से को हम इस प्रकार के शेप में कुछ काटेंगे, ताकि और इसका जो बीच का जो गुदा है उसे हम अच्छे से निकाल लेंगे। आप यहाँ पे थोड़ी बारीकी से निकालेंगे, ताकि हमारा टमाटर बिल्कुल हॉल ना हो जाए, नहीं तो हॉल होने से क्या है ना कि उसमें फिलिंग हम अच्छे से भर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हल्के हाथों से इसके बीज और इसके गुदे को, जितने भी रसदार इसके मटेरियल से, वो निकालेंगे हम। तो इसी प्रकार से आप हल्के हाथों से, चाकू की मदद से या चम्मच की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने सारे इसके रस को निकाल दिया है, ये बिल्कुल खाली हो गया हमारा टमाटर। तो इसी प्रकार से हमने सारे टमाटर को काट के इसके बीच वाले गुदे को निकाल लिए हैं। तो अब हम इसमें फिलिंग भरेंगे। तो ये देखिए हमारा जो आलू का भरता जो तैयार है। तो इस प्रकार से हम किसी चम्मच या चाकू की मदद से या फिर हाथों की मदद से भी हम भरेंगे। तो इसी प्रकार से ये देखिए हम प्रेस करके इसमें बिल्कुल खाली जगह ना छोड़ेंगे, उसी प्रकार से इसमें डाल देंगे अच्छे से इसका फिलिंग, और ये बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। इस प्रकार से आप अपने घर पे ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो ये हमने चाकू की मदद से भरा, अब हाथों की मदद से भी हमने भर के दिखाया आपको कि देखिए इस प्रकार से आप हाथों की मदद से भी इसमें फिलिंग डाल सकते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमारा सारे टमाटर को हमने इसी प्रकार से इसमें फिलिंग डाला है। तो ये देखिए अब हम इसे तल लेंगे। तो इस प्रकार के शेप में कुछ हुआ है हमारा फिलिंग भरने के बाद। तो अब हम इसे तल लेंगे। तलने के लिए हमने एक फ्राई पैन लिया है और उसमें थोड़ी सी तेल डाला, ज़्यादा तेल हम डालेंगे नहीं, 1 चम्मच के आसपास तेल डाला है, और कुछ इस प्रकार से हम उसमें रख देंगे बारी बारी से, और इसे कवर करके थोड़ी देर छोड़ देंगे। कवर हम लगभग इसे 3 से 4 मिनट तक करेंगे और फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। तो ये देखिए अब हम इसे हटा के बाकी बारी बारी से इसे पलट पलट के पकाएंगे, ताकि ये हमारा अच्छे से पक सके। इसी प्रकार से आप हल्के हाथों से इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे, ताकि ये हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए हमारा टमाटर हल्का सॉफ्ट हो रहा है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है, तो ये अच्छे से पक रहा है धीरे धीरे।
तो इस पर अब हम थोड़ी सी नमक ऐड कर लेंगे चारों तरफ से ऊपर से, ताकि इसमें जो टमाटर का ये जो भरवा है वो अच्छा फ्लेवर दे। और हमने तो केवल इसके भरते में नमक डाला था, तो टमाटर में कम ना पड़ जाए इसलिए हमने ऊपर से डाला इसे। तो ये देखिए फाइनली हमारा टमाटर अच्छे से पक गया है। तब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो है ना बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो कितना बढ़िया ये हमारा टमाटर का भरवा बनके तैयार है। थोड़ी सी हम हरी धनिया से गार्निशिंग कर देते हैं इसे। तो ये देख के मुंह में पानी आ गया आपको फ्रेंड्स। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस रेसिपी को आप अपने घर पे एक बार ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।